क्या मिनिमम 500 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग करके क्या हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं? जी जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हर कोई बोलते हैं मिनिमम 5,000-10,000 से स्टार्ट करें, क्यों 500 रुपए 1,000 रुपए नहीं बोलते? प्रॉफिट तो हो जाता है लेकिन क्यों नहीं बोलता है? इस वीडियो में मैं इसी का रिजल्ट मैंने आज निकाला है, क्यों हमें ये करने के लिए हर कोई रिकमेंड नहीं करता है। एंड गाइस, अगर आपके पास ग्रो के अकाउंट नहीं है, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल है ग्रो में अकाउंट बनाना, वहां पे बना लीजिए। मैं ही आप सिर्फ आपको सही गाइडेंस बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, अगर आप करते भी हैं तो सही डायरेक्शन क्या है, तो सारी चीजें मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगा, बस एजुकेशन पर्पस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जान लेते हैं क्या हम लोग 500 या 1000 रुपए से अगर ट्रेड करते हैं क्या कितना प्रॉफिट होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा ग्रो का अकाउंट। अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफी सारे आपको कंपनीज मिलेंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, तो काफी सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा कि यहाँ से आपको कैसे चूज करना होता है, कौन सा कॉल होता है, कौन सा पुट होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 500 रुपए से जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, हमें 500 या 1000 रुपए से क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आज के डेट पे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग किए थे, जहाँ पे मैंने 500-1000 रुपीस का इन्वेस्ट करा था, जो कि सारा दिन में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 272 रुपीस था। तो अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे 500 रुपीस 1000 करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। ये प्रॉफिट मार्जिन ये जो मैंने जनरेट किया है, किस तरीके से जनरेट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट पे यहाँ पे लगभग 1300 रुपीस है, एंड यहाँ पे ना आज के दिन पे मैंने कुछ पोजिशन लिए थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या करा था। यहाँ पे मैं डिटेल में चला जाता हूँ, ठीक है, पोजिशन डिटेल्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 का लॉट लिया था, ठीक है, जो मैंने बाई करा था कितने रुपीस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.80 रुपीस में पर शेयर। पर शेयर कितने रुपीस में सेल करा है, 16.90। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है, कितना बुक हुआ है प्रॉफिट, तो नीचे आप देख सकते हैं 55 रुपीस का प्रॉफिट मुझे बुक हुआ है, ठीक है। लेकिन टोटल जो सेल वैल्यू था, यहाँ पे बाई वैल्यू देखिए 790 रुपीस टोटल, एंड सेल वैल्यू कितना है 845 रुपीस, तो यहाँ पे मुझे 55 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो कैसे, जब भी आप ना कोई शेयर बाई करते हैं तो उसमें होता क्या है कि बाई करने के टाइम पे आपका यहाँ पे चार्जेस देना होता है, सेल करने के टाइम पे भी चार्जेस देना होता है, वो कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला है मेरा जहाँ पे मुझे 55 रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला ये, इसमें क्लिक करूंगा, इसमें क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने 50 शेयर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 790 से मैं टोटल खरीदा था, 845 से मैंने इसको सेल करा था। जब मैंने बाई करा था 790 रुपीस में, इसका जो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे लगा था कितना लगा था, 20 रुपीस, लेकिन जब मैंने सेल किया था वहाँ पे भी यहाँ पे 20 रुपीस मुझे देना पड़ा था, तो 55 से यहाँ पे मेरा 40 क्या हुआ, डिडक्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, 15 रुपीस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 15 करा गया है टोटल, ठीक है, ये काट कूट के सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद मैंने फिर से लिया था, सबसे नीचे आप देख सकते हैं 25 क्वांटिटी मैंने खरीदा था कितने रुपीज में, 25 रुपए में मैं खरीदा था, 25.55 पैसे में खरीदा था, जिसका टोटल मुझे कितना लगा, 638 रुपीज, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रोकरेज 20 रुपीज ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा, और फिर से मैंने जब इसको सेल किया 25 रुपीज में खरीद के, यहाँ पे 27.4 पैसे में मैं बेचा था, एंड यहाँ पे 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज लगा, 665 ये होता है काट कूट के मेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना काट लेता है आपका ब्रोकरेज चार्ज एंड और भी काफी सारे चार्जेस होता है, ठीक है, लगभग आपका 50-60 रुपीज। तो अगर आप कम पैसे में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इसमें आपका काफी सारे चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 4-5 बार मेरा लेने से यहाँ पे कितना डिडक्ट हुआ, टोटल 311 रुपए मेरा टोटल एवरेज चार्ज में कट गया है, ठीक है, टोटल चार्ज में कट गया है। तो इसीलिए हम लोग कम पैसे में अगर करते हैं तो सीखने के लिए बहुत सही है, इससे ज्यादा पैसा देना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को अभी पता चल गया है कि 500-1000 से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं लेकिन सीखने के पर्पस के लिए, और इससे भी ज्यादा देना भी नहीं चाहिए। जब आपका यहाँ पे नॉलेज आ जाएंगे, आप सीख रहे धीरे धीरे, एक कॉन्फिडेंट आ गए, देन आप 4000-5000 से आपको स्टार्ट करने हैं, ताकि हर दिन आप 400-500 रुपए का एक प्रॉफिट बना सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कोई नए वीडियोस में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।